एबीपीएस न्यूज। आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक भगतपुर टांडा स्थित उदयपुरा गांव पड़ा। लगभग 5000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 18 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में इस गांव की प्रधान श्रीमती अमरवती है। यह गांव लगभग 1700 की कुल वोटर संख्या वाला है, जिसमें राशन कार्ड धारकों की संख्या 200 नजर आती है। बात अगर गांव में आने वाले लाभों की करें तो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को प्रधान द्वारा पूरा लाभ मुहैया कराया जाता है। वहीं प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि गांव में प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों में लगभग 230 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसी के साथ गांव में पानी की आपूर्ति कराने के लिए वर्तमान प्रधान ने गांव में लगभग 50 हैंडपंप भी लगवाए हैं, लेकिन अभी भी 20 और हैंडपंप की सरकार से मांग है। एबीपीएस टीम ने जब प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में प्रधान द्वारा 45 बिजली के पोल भी लगवाए गए हैं। इसी के साथ 6 बिजली के ट्रांसफार्मर भी गांव में लगवाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि गांव में उनके द्वारा सीसी सड़कों का निर्माण भी किया चुका है। वहीं शौचालयों का निर्माण करवाकर पात्रों को वितरण भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि वे अपने गांव को शौचमुक्त बनाना चाहते हैं, जिससे प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजना स्वच्छ भारत के अंतर्गत वे अपनी भागीदारी भी निभा सकें। वहीं गांव में प्रकाश के लिए सोलर लाइटें भी लगवाई जा चुकी हैं। एबीपीएस टीम से बात करते हुए प्रधान प्रतिनिधि ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में नाले का निर्माण करवाएं, साथ ही साथ एक कन्या इंटर कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र व गरीबों के लिए आवास की भी व्यवस्था सरकार करवाए, जिससे ग्रामीणों को किसी भी तरीके की परेशानी से दो चार ना होना पड़े। ग्राम पंचायत उदयपुरा विकासखंड भगतपुर टांडा जिला मुरादाबाद की मेरी पत्नी ग्राम प्रधान है और चौथी बार प्रधान है इस समय वर्तमान में, और बिल्कुल सही ईमानदारी के साथ हम कार्य करते हैं तो जनता भी हमारे साथ रहती है। हम ये चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत के अंदर आवास निश्चित तौर से मिलने चाहिए। दूसरा, एक हमारे कन्या इंटर कॉलेज नहीं है सर, ये कम से कम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ मिल जाना चाहिए, जगह हमारे पास उपलब्ध है। और साहब, गांव में विकास के लिए पैसा आना चाहिए। और साहब, मैं ये भी निवेदन करता हूँ कि मतलब जो विधायक जनप्रतिनिधि हैं, हम भी, हमारी पत्नी जनप्रतिनिधि हैं, मगर कि इनका वेतन 2000 रुपये का है, जबकि 2000 रुपये रोज के खर्च हो जाते हैं। कम से कम यानी 25-30 हज़ार रुपये जो है वेतन होना चाहिए, ये सरकार से हम मतलब मांग करना चाहते हैं सर। और साहब, हमारे यहाँ उसकी मरम्मत के लिए हम चाहते हैं, ग्राम पंचायत भवन तो बना हुआ है सर, उसकी बाउंड्री और उसके मरम्मत के लिए कुछ पैसा आना चाहिए। और साहब, जो भी कार्य सही तरीके से चलने वाले हैं, जैसे कि मान के चला रास्ते हैं, उनके लिए आरसीसी के लिए पैसा आना चाहिए, टेल्स के लिए पैसा आना चाहिए। गरीब आदमी हैं और आवाज़ तो निश्चित तौर से आने चाहिए साहब। कुछ जिनके छप्पर पड़े हैं, फूटे हुए घर हैं, उनके लिए आवाज़ जरूर मिलनी चाहिए। हम तो वही पन्नियों में रह रहे हैं, आवाज़ आने चाहिए हमारे, अब कैसे गुजारा करेंगे हम। प्रधान जी भी कोशिश कर रहे हैं, प्रधान जी कोशिश कर रहे हैं,